हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज माय गिराज हियर एंड नाउ वी आर गोइंग टू गेट डिस्कस अबाउट द फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स। तो साथियों, अब हम बल के बारे में डिस्कस करेंगे कि बल क्या होता है और बल के कितने प्रकार होते हैं इनके बारे में। तो देखते हैं कि बल क्या है। तो बल वह धक्का या खिंचाव है। देखिएगा, बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला देता है, आकृति या आकार में परिवर्तन ला देता है, बल कहलाता है। जैसे देखिएगा, किसी वस्तु को हमने बल लगाकर ऐसे दबा दिया, उसकी आकृति आकार बदल गया, ठीक है ना। बल लगाकर खींच लिया, स्थिति बदल गई। तो बल धक्का है, धक्का देकर भी ऐसा कर सकते हैं, स्थिति बदल सकते हैं, ठीक है ना, आकार बदल सकते हैं, खिंचाव भी है, खींच कर कर सकते हैं ऐसा। तो बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु में या जिसके द्वारा किसी वस्तु की स्थिति आकार आमाप में परिवर्तन लाया जा सकता है, बल कहलाता है, फोर्स कहते हैं। ओके, तो पुशिंग और पुलिंग ऑन एनी बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की आकृति आमाप में परिवर्तन ला देता है, बल कहलाता है। और इसे कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं, और एफ के मात्रक अगर देखेंगे तो इसको किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन या ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या डाइम। तो ऊपर के दो एम के एस मात्रक हैं या एस आई, और दोनों नीचे के सी जी एस मात्रक हैं। तो इनमें संबंध देखिएगा, एक न्यूटन में 10^5 डाइम होते हैं या एक डाइम में 10^-5 न्यूटन हो जाएंगे। तो ये संबंध, तो ये बल के मात्रक हैं। कैसे आए इनके, ये सूत्र के से पता चलेगा, जो हम न्यूटन के गति विषयक नियम में आगे हल करेंगे तब पता चलेगा। तो फिलहाल ये बल है और ये बल के मात्रक हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि बल के प्रकार क्या हैं। तो बल दो प्रकार के होते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल। बल के प्रकार, तो बल दो प्रकार में बट जाएंगे, संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल और असंतुलित बल, तो संतुलित बल और असंतुलित बल क्या होते हैं। तो संतुलित बल वे बल होते हैं कि जब किसी वस्तु पर या किसी निकाय पर कई बल कार्य कर रहे हों और उनका परिणामी शून्य हो, संतुलित बल कहलाते हैं। जैसे किसी रस्सी को हम खींच तान करते हैं, जैसे देखते हैं कि एक तरफ कुछ लोग लग गए और दूसरी तरफ कुछ लोग लग गए और रस्सा कस्सी करते हैं, मतलब खींच तान करते हैं, और अगर ना वो लोग इधर के लोगों को खींच पाए ना ये लोग उधर के लोगों को खींच पाए, इसका मतलब संतुलन की स्थिति है। तो किसी वस्तु या निकाय पर कार्यकारी समस्त बलों का परिणामी शून्य होता है, वे बल संतुलित बल कहलाते हैं। और किसी वस्तु या निकाय पर कार्यकारी समस्त बलों का परिणामी शून्य नहीं होता, वे बल असंतुलित बल कहलाते हैं। यानी यहाँ पर एफ जो परिणामी है वो शून्य होगा, और यहाँ पर F परिणामी बल शून्य नहीं होगा। और कैसे होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई रस्सी है, इसको कुछ लोग यहाँ पर घसीट रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि इधर से लगने वाला बल F1 है और इधर को लगने वाला बल F2 है। तो F रिजल्ट हो जाएगा F1 प्लस F2, और परिणामी क्या होगा, शून्य होगा। ध्यान दीजिएगा, F रिजल्ट शून्य होगा। अतः अब अगर यहाँ पर हम शून्य रखें तो F1 प्लस F2 आया, तो F1 बराबर क्या आ गया, -F2। यानी इनके द्वारा लगाया गया टोटल बल
इनके द्वारा लगाए गए टोटल बल के बराबर और विपरीत है, इसी वजह से ना ये इधर आते हैं और ना ये इधर आते हैं। लेकिन यहाँ ये स्थिति नहीं होगी, यहाँ पर एफ रिजल्ट, जैसे इसी प्रक्रिया के लिए देखेंगे तो एफ वन प्लस एफ टू तो होगा, लेकिन एफ रिजल्ट शून्य नहीं होगा, और जब ये शून्य नहीं होगा तो एफ वन एफ टू बराबर भी नहीं होंगे। तो इसका मतलब इनमें कोई बल ज्यादा होगा और जो ज्यादा होगा वो कंबाले को घसीट लेगा, तो ये असंतुलित बल होंगे। ठीक है, तो ये बल दो प्रकार में बांटे गए हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि न्यूटन के गति विषयक नियम क्या थे। तो न्यूटन के गति विषयक नियम, तो न्यूटन ने तीन नियम दिए, जिसमें प्रथम नियम है, जिसे जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। ये है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। क्या बताया था इसमें कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगी, या गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, नियत चाल से गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी नियत चाल से, तब तक जब तक कि इसमें कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, या नियत चाल से गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, तब तक जब तक कि इसमें कोई बाह्य बल कार्य ना करे। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। तो देखिएगा, अगर ये वस्तु विराम में है, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई टेबल है और इसमें ये कोई वस्तु रखी है, तो ये विराम में है तो विराम में ही रहेगी, कब तक, जब तक कि हम इस पर कोई बाह्य बल ना लगाएं। ठीक है, या ये कोई वस्तु है नियत चाल से गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, तब तक जब तक कि इसमें बाह्य बल ना लगाए। ये कोई ढालू तल है, इसमें कोई वस्तु खिसक रही है, मान लेते हैं कि ये कोई पिंड है यंग द्रव्यमान का, ये है गोलियां हैं ऐसे लुढ़क रहे, तो ये तब तक ऐसे ही गतिमान रहेगी जब तक ये क्षैतिज तल में आकर रुकना चाहे, क्षैतिज अवस्था में ना जाए, या तल ऐसे ही बना रहेगा तो तब तक ऐसे ही गतिमान रहेगी, तो इसका मतलब जब तक कोई बाह्य बल लगा कर इसे रोका ना जाए। तो ये था जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। तो जब कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगी, या गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। और द्रव्यमान जो है जड़त्व की प्रॉपर्टी होती है, जड़त्व का गुण होता है। ध्यान रखिएगा कि द्रव्यमान जड़त्व का गुण होता है, या जड़त्व जो है द्रव्यमान का गुण होता है। ठीक है ना, ऐसा कह सकते हैं। तो ये जड़त्व भी जो है दो प्रकार में बांट दिया गया है, जड़त्व विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। तो ये क्या है, विराम का जड़त्व क्या है, यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगी, तब तक जब तक कि कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। और गति का जड़त्व क्या होगा, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, तब तक जब तक कि कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये होते हैं विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। आइए अब हम डिस्कस करते हैं न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। ठीक है, द्वितीय नियम, तो द्वितीय नियम में क्या बताया गया कि किसी भी वस्तु का त्वरण उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल एम, यानी किसी वस्तु का त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ए इक्वल टू एफ एक बटे एम, और F इक्वल टू एम ए हो जाएगा। F क्या है, एक नियतांक है, इसी नियतांक को बल बोलते हैं।
तो F इक्वल टू M इनटू A हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण। और यहीं से हम वो सूत्र निकाले थे, देखिए द्रव्यमान का मापन किसमें होता है, किलोग्राम में, और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। तो ऐसे इसका मात्रक बना था, और इसी मान को न्यूटन बोलते हैं। जब इसको सीजीएस में लिखते हैं तो ये ग्राम हो जाएगा और त्वरण सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, जिसे डायन बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से वो सूत्र निकले थे, एक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इक्वल टू एक न्यूटन जिसको बोलते थे, और एक ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसको एक डायन बोलते थे, ठीक है ना। तो ये इस सूत्र से, अब ये देखते हैं ये ऐसा है क्यों। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, देखिएगा ये कोई वस्तु है 20 केजी की, इसको कोई व्यक्ति लेकर के चल रहा है, फिर मान लेते हैं ये 50 केजी की है, वही व्यक्ति इसको लेकर के जा रहा है, फिर ये वस्तु है 100 केजी की और वही व्यक्ति इसको लेके जा रहा है। आप सोचिए किस स्थिति में व्यक्ति सबसे ज़्यादा दौड़ सकता है, तो जिस स्थिति में वजन कम होगा उसमें वो ज़्यादा रेस लगा सकता है, ज़्यादा तेजी से दौड़ सकता है, वेग ज़्यादा होगा, त्वरण ज़्यादा होगा। इसका मतलब यहाँ A1, यहाँ A2, यहाँ A3, ये M1, ये M2 और ये M3। तो आप आइडिया लगाइए कि देखिए कि कौन त्वरण सबसे ज़्यादा है, जिसका द्रव्यमान कम है उसकी रेस ज्यादा होगी, यानी उसका त्वरण ज्यादा होगा, फिर इससे कम इसका, फिर सबसे कम इसका, यानी A1 ग्रेटर A2 ग्रेटर A3, यही क्रम आया त्वरण का। अब द्रव्यमानों में तो आपको साफ दिख रहा है कि ये सबसे बड़ा है, M3 ग्रेटर, या आप ऐसा कह सकते हैं कि M1 लेस देन M2 लेस देन M3। तो देखिएगा क्या है, जिसका त्वरण सबसे ज्यादा है उसका द्रव्यमान सबसे कम है, यानी उल्टा संबंध। तो त्वरण और द्रव्यमान एक दूसरे के क्या हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं, यही संबंध आया ना, तो ये आ गया, ठीक है ना। अब हम इसी क्रम में देखते हैं तृतीय नियम, और तृतीय नियम जिसे बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तृतीय नियम, और इसे हम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इसमें क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में न्यूटन ने क्या बताया कि समान दिशा में क्रिया के समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम 100 किलोग्राम का पत्थर उठा के ऊपर को उठा रहे हैं, और अगर हम छोड़ दें तो पत्थर हमारे ऊपर 100 किलोग्राम का था तो 100 किलोग्राम का ही हिट करेगा, यानी क्रिया के तो समान है लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया हो रही है, ठीक है ना। तो यही था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, समान दिशा में यानी क्रिया के समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये M है तो ये mg, तो ये इसकी प्रतिक्रिया होगी N या R, दोनों ही लिखते हैं, N या R इक्वल टू mg, जिसे भार भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, ठीक। तो इस तरीके से न्यूटन के तीनों नियम, न्यूटन के गति विषय प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम की चर्चा की हमने, जो इस प्रकार से थे।